क्या होता है पहले ये इसको हम फाइव डे को दो दिन में डिवाइड करते हैं पहला होता है फर्स्ट डे बाकी जो एग्जाम है वो देने बट केस आप फर्स्ट डे स्क्रीन इन नहीं हो पाए आप स्क्रीन आउट हो गए तो आपको इन फोर डेज से कोई भी लेना देना नहीं है आगे हम डिस्कस करते हैं एस सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है जो कि ऑफिसर रैंक पोस्ट के लिए कैंडिडेट को हायर करता है इसमें आर्मी वाले हमारे एयरफोर्स वाले वो एस के इंटरव्यू के थ्रू एक कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं अगर हम बात करें सी डी एस एन डी ए वालों की या एफ कैट वालों की तो इन लोगों के पहले रिटर्न एग्जाम होते हैं उसके बाद ये लोग एस का इंटरव्यू देते हैं जो कि फाइव डेज चलता है अगर हम बात करें डायरेक्ट एंट्री वालों की तो उन लोगों का कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं होता है उनका डायरेक्टली क्या होता है एस का इंटरव्यू होता है अब हम बात करते हैं कि एसएसबी क्या करता है एसएसबी क्या करता है किसी भी एक कैंडिडेट में उसका इंटेलिजेंस और उसके पर्सनालिटी का टेस्ट लेता है वो उसके अंदर 15 करैक्टर्स देखता है जो कि एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी को दिखाते हैं आपके अंदर ओ एल क्यू होना चाहिए अगर आपके अंदर ओ एल क्यू है आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटी है तो आप एस इंटरव्यू में डेफिनेटली पास होंगे जो एक संस्कृत वर्ड है मतलब होता है थॉट इसमें एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है जिसके थ्रू ये पता चलता है कि एक पर्सन के एक कैंडिडेट के क्या ओपिनियन है क्या थॉट्स हैं उसके किस तरीके से वो सोचता है वचा मतलब वचन यानी कि स्पीच कि वो किस तरीके से अपने इंटरव्यू को कंडक्ट कर रहा है किस तरीके से उसका बर्वल कैसा है कैसे वो अपनी चीजों को रख पा रहा है अपने चीजों कैसे एक्सप्रेस कर पा रहा है वर्ड्स के थ्रू ये देखा जाता है कर्मा यानी कि कर्म कि आपका कैसा एक्शन है क्या आपकी है, क्या आपने किस तरीके से ग्रुप में परफॉर्म किया कि आपके अंदर क्वालिटी से लीडरशिप है कि नहीं ये सब चीजें ओवरऑल इसमें देखी जाती है हम आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं डे वन की भाई डे वन में क्या होता है डे वन जो होता है स्टेज वन में क्या होता है स्क्रीनिंग होती है उसमें आपके भाई डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा ये सब तो फर्दर चीजें होती ही है बट इसके अपार्ट क्या होता है उसमें ओ आई आर टेस्ट होता है जिसको हम लोग ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट बोलते हैं इसमें बर्वर और नॉन बर्वल

कितने मिनट्स के होते हैं ये डिपेंड करता है हर बार कौन सा आ, कौन सा आपका कौन सी आपकी एंट्री है उसी पे डिपेंड करता है ये आपका यहाँ पे पहले से डिस्क्लोज नहीं होता है कोई भी टाइम हो सकता है पर दो शिफ्ट में होता है ये चीज तय रहती है नेक्स्ट होता है आपका पीपीडीटी जिसको हम लोग बोलते हैं पिक्चर परसेप्शन डिस्कशन टेस्ट इसमें क्या होता है इसमें आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी फॉर थर्टी सेकेंड्स आपको उस पिक्चर को ऑब्जर्व करना है वो पिक्चर हैजी हो सकती है आपको उस पिक्चर को ऑब्जर्व करना है उसके बाद आपको रेस्ट फोर मिनट में उस पर स्टोरी फॉर्म करनी है स्टोरी आपको लिखनी है मैंने कुछ पीपीडीटी की वीडियोस शेयर की है कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया है तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं यू कैन गो एंड वॉच आपके ऊपर लिंक आ रहा होगा सो आप जाके देख सकते हैं इसके अलावा इसमें पीपीडीटी में आपको क्या करना होता है जो आपने स्टोरी लिख ली है उस स्टोरी को आपको नरेट करना होता है आपका एक ग्रुप बनेगा दस से पंद्रह बच्चों का है कितने भी ग्रुप किसी भी टाइप से ग्रुप हो सकता है कोशिश कीजिएगा कि आप मिडिल पर्सन हो कोशिश कीजिएगा आपको नई आइडिया लगेगा बट आपको अगर आप थोड़ा पीछे तो आपको पता चल जाएगा कितने रो वाइज में 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 ग्रुप बन रहा है या अगर आप फर्स्ट फर्स्ट लाइन ही है, में, तो भी आप ऐसा खड़े हुए सेवन एट मतलब सेवन एट कह लीजिए या फिर सिक्स सेवन में खड़े हुए बहुत स्टार्ट में बहुत लास्ट में मत खड़े हुएगा कोशिश कीजिएगा उसमें आपको उस ग्रुप में आपको बैठ के अपनी स्टोरी को नरिएट करना है पहली चीज दूसरी चीज क्या होती है ग्रुप को आपस में डिस्कस करके एक सिंगल स्टोरी फॉर्म करनी होती है एक ग्रुप स्टोरी फॉर्म करनी होती है और वो कोई भी बच्चा प्रेजेंट कर सकता है ये आपका पूरा पीपीडीटी और पूरा स्क्रीनिंग का प्रोसेस हो गया ये तो हो गया हमारा डे वन कंप्लीट अगर आप इसमें स्क्रीन हो गए तो फर्दर आप आगे के प्रोसेस में जाएंगे करते हैं डे टू की डे टू में क्या होता है डे टू में क्या होता है पहला होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट जिसमें ये चार टाइप के टेस्ट होते हैं इसमें आपके थॉट्स को देखा जाता है आप किस तरीके से सोच सकते हैं ये देखा जाता है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट में क्या होता है इसमें आपको जैसे आपने पीपीडीटी में एक सिंगल स्टोरी दिखाया आपने स्टोरी लिखी यहाँ पे क्या होता है आपको 11 स्टोरी दी जाएंगी जिसमें से 10 स्टोरी तो आपको दिखाई जाएंगी भाई सेम प्रोसेस है 30 सेकंड के लिए दिखाई जाएगी 4 मिनट में स्टोरी दिखनी है बट आप सोच सोचे दस दो तो स्टोरी दिखा दी पर एक कहांगे? एक क्या होता है एक ब्लैंक पेज होता है जिसमें आपको अपनी मन चाहिए कोई स्टोरी दिखनी है कोशिश कीजिएगा स्टोरी पहले से सोच के मत जाइए पर जनरली बच्चे सोच के जाते हैं पर आप मत जाइएगा जैसे आपकी जिस बाकी पैटर्न की स्टोरी वैसे कोई अच्छी सी स्टोरी आपको उसमें लिखनी है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट इसमें आपको कम से कम सिक्सटी वर्ड्स दिखाए जाएंगे फटाफट उसके ऊपर एक अपना थॉट लिखना एक लाइन का थॉट लिखना एक लाइन का मतलब ये नहीं कि आपने इतनी बड़ी लाइन लिख दी सिंगल आप इतनी 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 भी लाइन लिख सकते हैं जितने मैंने अंडरलाइन किया है इतनी लाइन भी आप लिख सकते हैं वर्ड्स कैसे भी हो सकते हैं मॉम हो सकता है मान लीजिए या फिर सोशल uh, हो सकता है कुछ भी हो सकता है कोई सिंबल वर्ड्स भी हो सकता है उस पर उस पर आपको एक सेंटेंस छोटा सा फॉर्म करना है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट इसमें आपको एक बुकलेट दी जाएगी जिसमें बहुत सारी टाइप की सिचुएशन होगी उसमें आप कैसे रिएक्ट करेंगे वो आपको लिखना है नेक्स्ट है हमारा सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में क्या है आपको एक शीट दी जाएगी जिसमें आपको अपने बारे में अपने पेरेंट्स के बारे में अपने फ्रेंड्स के बारे में ये सब कुछ पूरा का पूरा डाटा फिल करना होता है याद रखिएगा इसको बहुत ध्यान से फिल कीजिएगा बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं तो ये तो हमारा पूरा हो गया आ, हमारा टी ए टी वैट एस आर टी और एस डी अब इसके आगे हम डे थर्ड पे चलते हैं

नेक्स्ट आता है जी जिसको हम बोलते हैं ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज इसमें दस से पंद्रह बच्चों का एक ग्रुप बनाया जाएगा उनको एक मॉडल दिया जाएगा जैसे बिजनेस मॉडल होता है या फिर कुछ भी ऐसा ना सीनरी टाइप का पूरा मॉडल होगा उसमें आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है उसके बाद कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देना है ध्यान रखिएगा आपको उसके ऊपर जो स्टोरी लिखनी है उस पर आपकी स्टोरी लिखनी होगी एक पेपर में तो वो जो स्टोरी होगी वो आपको उसमें से प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके और एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देते हुए उस स्टोरी को लिखना है नेक्स्ट ये आता है लेक्चर लेक्चरेट लेक्चर में क्या होता है आपको कोई भी टॉपिक दिया जाएगा उसके ऊपर आपको अपना एक लेक्चर प्रेजेंट करना है अपना एक स्पीच देना है कम से कम तीन मिनट का और आपके पास कम से कम चार टॉपिक होंगे उसमें से आप एक टॉपिक कोई भी उठा सकते हैं और उस पर तीन मिनट तक आपको बोलना होगा नेक्स्ट आता है पीजीटी पीजीटी को बोलते हैं प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में क्या होता है इसमें कम से कम आपको चार ऑप्स्टिकल्स दिए जाएंगे उसमें आपका एक ग्रुप फॉर्म किया जाएगा और कुछ मटेरियल हेल्प के लिए दिया जाएगा उसके थ्रू आपको क्या करना होगा इन चारों ऑप्स्टिकल्स को पार करना होगा ग्रुप में नेक्स्ट है हमारा ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस या फिर स्नेक रेस इसमें क्या होता है इसमें भी एक ग्रुप फॉर्म किया जाता है जिसको कलेक्टिवली क्या करना होता है दूसरे ग्रुप के अगेंस्ट में कॉम्पिटीट करना होता है और इसमें कम से कम आपको छः ऑप्स्टिकल्स दिए जाएंगे उनको आपको दूसरे ग्रुप के अगेंस्ट में कॉम्पिटीट करते हुए आ, कुछ रोप की जैसे स्नेक इसीलिए बोला गया क्योंकि रोप वगैरह की हेल्प के थ्रू आपको उसको कंप्लीट करना है नेक्स्ट है हमारा एच जी टी हाफ ग्रुप टास्क इसमें क्या होता है जो जो हमने पीजीटी में बताया था प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में सेम वैसा ही होता है बस इसमें ग्रुप क्या होता है आधा हो जाता है मान लीजिए अगर ऊपर दस का ग्रुप होगा तो एच में आके पाँच का ग्रुप हो जाएगा नेक्स्ट आता है कमांड टास्क अब कमांड टास्क में क्या होता है कमांड टास्क में आप सिंगल पर्सन इसमें वो करता है मतलब परफॉर्म करता है इसमें जो सिंगल इंडिविजुअल होता है वो किसी भी दो कोई भी दो आप पर्सन की हेल्प ले सकते हैं चाहे वो कोई भी हो सकता है बस वो लेकिन आपकी सिर्फ हेल्प किए जाए करेंगे आपको यहाँ पे कुछ कुछ सामान दिया जाएगा जैसे कि पटरा वगैरह हो गया रोप वोप होगी उसके थ्रू आपको क्या करना होगा पूरी ऐसे करके एक एक रेस टाइप की कुछ टाइम पीरियड में कंप्लीट करनी होगी ठीक है यहाँ पे आप दो लोगों की हेल्प ले सकते हैं कि मान लीजिए पटरा भारी आपसे नहीं रखा जा रहा है तो ऐसे करके आप हेल्प ले सकते हैं बल्कि सिर्फ हेल्प ही ले सकते हैं नेक्स्ट है हमारा लास्ट आई जिसमें होता है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में क्या होता है कैंडिडेट को दस के दस ऑब्स्टिकल को अकेले पार करना होता है यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है कुछ भी नहीं यहाँ पे आपको

बट अगर आप इन केस नहीं होते तो यहाँ पे आप कॉन्फ्रेंस आउट जाते हैं कॉन्फ्रेंस में क्या होता है आपसे थोड़ा बहुत पूछा जाएगा कि आपको कैसा लगा यहाँ पे या फिर खाना वगैरह कैसा लगा ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी एंड इफ यू आर सेलेक्टेड तो आपको मेडिकल टेस्ट के लिए जाना होगा यहाँ पे मेडिकल टेस्ट होता है आपका उसके बाद लास्ट आपका ट्रेनिंग के लिए जाता है अगर आप मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं तो ये है पूरा हमारा एस का इंटरव्यू का प्रोसेस सो so, यहीं पे हम वीडियो को एंड करते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेक श्योर टू तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आप हम लोग को इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो बाय बाय टेक केयर